जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। रोज थोड़ी ना पीता हूँ, कभी कभी। हो गया शाम, सो जा। नहीं, अब पापा जी को बता दूंगा अभी, उनकी लाडली बहू ना नाराज है मुझसे। पापा जी, कितने जा रहा है? ओ बिल्डर के मैनेजर से मिलने। मैं जाके बता दूं मैंने डील नहीं करनी। चल आता हूँ। ये खुशखबरी बीजी को दूं? हाँ वीरा। बीजी खुशखबरी सुनो। क्या हुआ, तूने बलदेव के साथ सुलह कर ली? ओ बीजी, वो तो खैर लौटती हो गई थी। खुशखबरी अभी ये है कि बलदेव ने मॉल वाले प्लान को कैंसिल करके उसी जमीन पर स्कूल बनाने का फैसला लिया है ना चिगल? सच? ये तो बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई तूने। अरे आइए आइए बलदेव पाजी, आइए, कहिए कैसे है ना हुआ? बस अरे बैठिए बैठिए। अरे बलदेव जी कैसे हैं आप? आइए आइए बैठिए। कहिए क्या लेंगे, स्मॉल लार्ज या पटियाला? नहीं जी नहीं, मैंने कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस जी उस जमीन के बारे में बात करने आया था, कुछ बात करनी थी। दरअसल मैंने उस जमीन पर मॉल चाहिए ही नहीं, वो जमीन पंचायत को वापस लौटा रहा हूँ स्कूल बनवाने वास्ते। जी मैनू लगता है मॉल से ज्यादा पिंड में एक स्कूल की जरूरत है। पर बलदेव जी, कल तो आपने कहा था कि तैयारी शुरू करो, और हम लोग ने इस मॉल के लिए कितनी प्लानिंग की है, आई मीन आर्किटेक्ट से डिजाइन, इन्वेस्टर से फिनेंस की। अगर हमारे बॉस को पता लगेगा तो हमें कई बातें सुनाएंगे वो। हाँ बलदेव जी सही कह रहे हैं। ओ जी देखो, है बात तो मैं जानता हूँ, पर जी मैनू अफसोस है कि मैंने बिना सोचे आपको पहले हाँ कर दी। और सच बात तो ये है कि मैं मॉल के लिए राजी नहीं हूँ, मैंने माफ करना अभी। और आप लोग अपने अपने बॉस को, उन बिल्डर साहब को भी बता दो कि मैं जमीन नहीं दे रहा हूँ मॉल बनवाने वास्ते। अरे बलदेव जी मैं समझ सकता हूँ, आपने जो भी फैसला लिया होगा वो सोच समझ कर ही लिया होगा। शुक्रिया भाटिया साहब। ठीक है जी मैं चलता हूँ। अरे अरे बलदेव जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप दो मिनट पहले तो आए और अभी जा रहे हैं। बैठिए कुछ पैक सैक लीजिए। और नहीं जी नहीं, बस मैं घर ही जाऊंगा। मतलब बलदेव जी अगर ये डील नहीं हुई तो आप हमसे दोस्ती तोड़ेंगे? भला ये कौन सी बात हो गई? ऐसे बातें कर रहे हो जी? नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब डील हो जाती तो जश्न मनाने के लिए पीते, अब नहीं हुई तो गम गलत करने के लिए पी लेंगे। बात तो सही है, पी के तो गम गलती होता है, क्योंकि सही करने के लिए कोई चीज तो बनी नहीं है। एकदम बढ़िया बात बोली आपने। एक काम करते हैं, एक एक पैक हो जाता है, मैं एक मिनट में आया बस। आप रुकिए मैं लेके आता हूँ आपके लिए। एक मिनट बस। हाँ मैं जरा इन्वेस्टर को फोन कर दूं कि डील नहीं हो सकती, कहीं उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो और 50 कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है हेलो सर जी, एक प्रॉब्लम हो गई। हाँ भाई मैंने तो पता ही नहीं था कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। केवल बिल्डिंग ही नहीं बनाई है, पूरा का पूरा शहर बसाया हमारी कंपनी ने। अरे बलदेव जी अच्छा हुआ ना,
आप दो पैक पीने के लिए रुके हमारे साथ? दो दो कह रहे हो जी, दो कहाँ, 20-30 पैक हुए हैं शायद। ये मैं चलता हूँ, एक गुड़ भी और पियाना, ये बेहोश जाऊंगा। मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ। बलदेव जी ये लीजिए, आपके लिए है ये। यह की है, अगर आपका मन बदल जाए और आप मॉल बनाने के राजी हो जाए तो ये आपका। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। मैं बता चुका हूँ ना जी आपको, ये मॉल नहीं बनवाना है, स्कूल ही हो, पंचायत में जमीन लौटाना है। अच्छी बात है बलदेव जी, लेकिन अब ये रखिए ठीक है, घर जाके आराम से सोचिए इस बारे में, और फिर भी अगर आपका मन करे स्कूल के लिए तो लौटा दीजिए। नहीं ये भाटिया साहब, जी मेरा मन नहीं बदलने वाला है, मैं बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ बलदेव जी, लेकिन सोचने के पैसे थोड़े लगते हैं, और अगर सोचकर एक अच्छा फैसला लिया जाए तो पैसे मिलते हैं। आप ये लीजिए, और ये देखिए ब्रोशर, और ये ना आप अपने साथ लेके जाइए, और साथ में ये पैसे भी। अरे देखिए अब ये आपके ही हैं ठीक है, अब बहस नहीं है, अब ज्यादा सोचे मत। ये कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका मैं कल वापस ऐसे ही लौटा दूँ। अरे आप रखिए तो सही। अब कौन है ये मुन्ना, 11:30 हो रही है अभी तक नहीं आया। सच्ची मैं यहाँ पर परेशान हूँ, और एक ये मैंने कुछ समझ ही नहीं आता। वीरा देवतू, देवतू वीरा ये कर रहा है? चल देव वीरा। तो अब तू पी कर आएगा घर? नहीं होए, एक बार हो गया, दोबारा नहीं हो। बलदेव दोबारा किया ना तो तू देख लेना। थोड़ी सी तो पी है, चोरी तो नहीं की ना, डागा थोड़ी डाला है। थोड़ी सी पी है हा? 100 मीटर दूर तक बदबू आ रही है शराब की, तेनू थोड़ा लगता है ये? हाय कौन, और एक मैं हूँ यहाँ घर बैठे ना तेरी राह देख रही थी, परेशान हो रही थी तेरे वास्ते कि तू अब आएगा, लेकिन नहीं, तू तो कहीं बैठकर शराब पी रहा था ना, एक फोन नहीं कर सकता था मैंने, तू बोल ही क्यों रही हो? सो जा। तू गुस्से में रही तो नींद आएगी तो आनी होगी, क्योंकि मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है, समझा? क्यों? वो शांत नहीं होगा गुस्सा, रोज थोड़ी ना पीता हूँ, कभी कभी हो गया शांत, तो जब तू नहीं, अब पापा जी को बता दूंगा अभी, क्योंकि लाडली बहू ना नाराज है मुझसे। पापा जी, वीरी, रुको। शांत ठाऊंगी तो चुप रहेगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।